हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से मार्केट मोमेंटम रहा है और कैसा प्राइस पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हम कंडीशन को लर्न करने की कोशिश करते हैं। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर विषय अपडेट मिलती रहती है। अब सीधे हम चलते हैं चार्ट पे। फर्स्ट चार्ट पे स्टडी करने पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको हमेशा रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके एंट्री एग्जिट का प्लान करना होगा। यहाँ अगर आप देख रहे हो एक अच्छी गिरावट के बाद में मार्केट 100.27 के पास बना हुआ है। हायर पॉइंट पे इसके लिए 100.56 ये रेजिस्टेंस एज इट इज बना हुआ है, जो हमने कल भी देखा था और आज मॉर्निंग में भी ये कंडीशन सिमिलर बनी हुई थी। इसके पास जाता है, कुछ प्राइस पैटर्न बनाता है, दोबारा से यहाँ पे पॉजिटिव साइन बनाता है एक हायर साइड निकलने के लिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे धीरे धीरे करके हायर साइड जाने की कोशिश करेगा। जब यहाँ गिरावट का टाइम था उस समय जो कमोडिटी सेगमेंट था थोड़ा पॉजिटिव में था। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है तो कमोडिटी सेगमेंट थोड़ा रेंज बाउंड टू साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है। तो आज की जो इसके लिए पॉसिबिलिटी बनने वाली है हायर साइड और लोअर साइड, फर्स्ट इंडिकेशन बना है इसके लिए। अभी इसके लिए अगर हायर साइड जाता है तो थोड़ा सा मार्केट में शांति बनी रहनी चाहिए। सेकेंड, अगर इसमें हम डॉलर के बाद में गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड ऑलरेडी ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो जनरली गोल्ड और सिल्वर एक डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें पुश मिलता है, बट गोल्ड को अगर आप देखते हो तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इंडियन सिल्वर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में अभी हुआ है फर्स्ट दो एक से डेढ़ घंटे में, और सिल्वर जो है कॉमेक्स से ये थोड़ा सा नेगेटिव है। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में हमें जो भी डिसीजन लेना है, विद इन रिस्क लेना है। ऑल टाइम हाई बना रहा है, हायर हाई का पैटर्न फॉलो कर रहा है, वेल एंड गुड है। अब इसके पास 2700 का रेंज ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे करके वहाँ तक अप्रोच करेगा। और उसके साथ में जो इंडियन सिल्वर है वो भी एक पॉसिबिलिटी हायर साइड की बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी कंडीशन के बीच में अगर आप देखते हो तो आज भी इसे गैप अप ओपनिंग होने के बाद में इसको एज ए रिस्पेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे करके हायर साइड पॉसिबिलिटी बनाता है। 75,500 के आसपास पहुंच चुका है, जो हमारा मैक्सिमम टारगेट था कि हम इसमें 74,000 के जो रेंज को निकालेगा फिर 75 तक जाएंगे। उसके बाद में जो ऑल टाइम हाई पहुंचता है तो उसके बाद हमें जस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो कंडीशन इसने बनाई है डेली में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये पिछले काफ़ी टाइम से 2024 के लेवल पे अगर आप देखते हो तो हाईएस्ट पॉइंट 2024 का इसने बनाया 75,900 के आसपास, और उसके आसपास से पहुंचने की कोशिश कर रहा। बहुत अच्छी रिकवरी इसने दिखाई डाउन साइड से, पॉसिबिलिटी हायर साइड की बनी हुई है। ग्लोबल सेंटीमेंट इसको पुश देते हुए नज़र आ रहे हैं, इस वजह से मोमेंटम यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। साथ में अगर जो गोल्ड है कॉमेक्स अगर इसको देखते हैं तो यहाँ भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन। तो इन सभी पॉजिटिव कंडीशन के बीच में आपको कॉमेक्स में भी एक पॉजिटिव साइन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो हायर साइड है 32.775 के आसपास ये इसके लिए अच्छा रेंज है। पूरे दिन एक रेंज में बनाया है, डाउन साइड भी आया तो ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम किया। अब इसको ब्रेक नहीं करेगा एज पर माई व्यू, अगर ब्रेक करता है तो कंडीशन अलग बन जाएगी, फिर डिफरेंट हो जाएगी। अभी जी जो करंट सिनारियो चल रहा है इस बेस से इसको दोबारा से 32.5 को अप्रोच करना चाहिए। इवन आल का जो हाई बना रखा है उसका भी ये पहुंच सकता है, जो इसने बनाया है लगभग 32.6 के आसपास तक का। तो यहाँ एक पॉजिटिव साइन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप मिनी को वॉच करते हैं, मिनी एक अच्छे रेंज में अगर यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट हाफ में गिरावट के बाद में एक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन दोनों के आसपास पहुँचने के बाद सपोर्ट लेता है। यहाँ से ऑलरेडी अगर आप देख रहे हो तो 1000 पॉइंट के आसपास ही हायर साइड निकल चुका है। अब आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए क्या बोले। तो फ्रेंड, बाइंग सेलिंग सिंपल कंडीशन है, जब सपोर्ट के पास जाए उस समय आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको देखना है क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है, आपके फेवर में चल रहा है तो आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सेकंड, आपको जब भी रेजिस्टेंस के पास जाए उस समय अगर आप सेल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अलर्ट रहिए। उस कंडीशन को अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तभी इसमें एंटर करिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा दोबारा से देखना पड़ेगा। डाउन साइड अगर यहाँ पर देख रहे हो तो डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए बनती हुई नहीं देखने को मिल रही है। 91,500-600 ये जो रेंज इसने बना रखी थी ट्रेंड लाइन की, अच्छी सपोर्ट किया है और फिलहाल के लिए अभी इसके लिए पॉसिबिलिटी हायर साइड की बनाने की कोशिश कर रहा है। 4 आवर में भी देख रहे हो तो एक अच्छे ट्रेंड के साथ में, इवन अगर आप जो इसका ब्रेकडाउन हुआ था डाउन साइड के लिए धीरे धीरे करके हायर साइड के लिए जो रेंज थी 92,200 इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट काम करने वाली है। अब धीरे धीरे इसके लिए हायर साइड का रेंज ओपन होने वाला है। कल है
थर्सडे और फ्राइडे दो दिन अच्छी मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी रहेगी। आज मार्केट अगर 92,000 के ऊपर क्लोज करने में रेडी रहता है, जो कि पॉसिबिलिटी 70-80% है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको एक पुश मिलेगा आने वाले दिनों में। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे मिनी के बाद में माइक्रो को वॉच करते हैं, माइक्रो को लर्न करने से पहले हमने जो अभी बैक साइड में देखा कि डॉलर इंडेक्स एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, साथ में गोल्ड एक पॉजिटिव साइन में चलता हुआ जा रहा है, तो उन सभी दोनों कंडीशन के बीच में गोल्ड को अगर साथ लेते हैं तो पॉजिटिव साइन में है, डॉलर को साथ लेते हैं तो एक रेंज बाउंड है, तो दोनों कंडीशन को मैच करते हैं तो एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। इसकी क्लोजिंग 92,300-400 के ऊपर होती है तो बेटर रहेगा, इवन जो प्रीवियस डे का क्लोज है उसके भी ऊपर होता है तो भी एक पॉजिटिव साइन ही बनाने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम इसके लिए जो पॉसिबिलिटी बनने वाली है, ट्रेंड लाइन नो डाउट एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और इसके पास सपोर्ट लाइन भी है जो ऑलरेडी हमने वीकली में भी ड्रा करके रखी है, ये इंपॉर्टेंट इसके लिए रेंज का फॉर्मेशन करेगी एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में। 4 आवर कंडीशन में आप देख रहे हो तो 4 आवर कंडीशन में भी एक पॉजिटिव साइन बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉप लॉस यह थोड़ा बड़ा हो गया है, 91,500 के आसपास है। अगर आप थोड़ा सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 92,000 के आसपास। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन बनी हुई है, पॉजिटिव साइन के साथ में मार्केट एक अच्छे ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे और एक नए हाई के लिए जो हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस किया था देखने की कोशिश करेंगे, जो कि इसके लिए हायर साइड की पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा। अगर इसके बाद में डेली में अगर आप देखते हो तो डेली कंडीशन में एक जो इसके लिए हर्डल था ये रेंज अब इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगर इसकी क्लोजिंग आज की इस रेंज के ऊपर हो जाती है, जो इसने ऑलरेडी 92,450 से ऊपर इसकी क्लोजिंग हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसके बाद 93,000 बहुत इजी वे से जाने के बाद में 94,175 की तरफ अप्रोच करेगा। डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी एज सच अभी बनती हुई नहीं देखने को मिल रही है जब तक ये इस रेंज के 91,500 के ऊपर बना हुआ है। कंडीशन बेटर है, आने वाले दिनों में एक नया हाई हमें देखने को मिल सकता है अगर जो पीसी का डाटा है और जो फेड की स्पीच है, फेड चेयरपर्सन की, दोनों अगर कंडीशन पॉजिटिव साइड में जाते हैं तो एक अच्छा और मेजर रेट कट का एक्सपेक्टेशन लोगों ने बना रखा है वो होता है तो एक नया हाई हमें और देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।